सातवें आर्थिक सेंसस में आपका स्वागत है। भारत में अब तक हुए सभी आर्थिक सेंसस या गणनाओं में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा सेंसस है। कोई भी सर्वे या सेंसस तब तक प्रभावशाली या अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसे करने वाले गणनाकार यानी आप लोग उसे ठीक से पूरा नहीं करते। गणना करना यानी गिनना आपका मुख्य काम है। हर व्यक्ति के घर, ढांचा, दुकान, कारखाने तक जाना तथा उसके बारे में जानकारी लेना और उन्हें इस एप्लीकेशन में डालना। ये भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सेंसस है, इसलिए इसमें हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। तो आइए अपना काम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि अपने काम को बेहतर करने के लिए हम किस तरह की योजना बना सकते हैं। अपने काम पर निकलने से पहले ये देख लीजिए कि आपने आज के काम के लिए आवश्यक सभी सामान रख लिए हैं, जैसे टैबलेट, एक अतिरिक्त चार्जर, पेन, रजिस्टर, यूएफएस ब्लॉक का मैप, पानी की बोतल इत्यादि। सबसे पहले शहरी इलाके के उस नक्शे को देखिए जो आपको दिया गया है। यूएफएस ब्लॉक की बाउंड्री का चक्कर लगाकर उसे सुनिश्चित कर लें। उस क्षेत्र के जानकार से मिलकर पता लगा लें कि ब्लॉक में कितने घर, परिवार तथा उद्यम हैं। इसके बाद अपने लिए एक कार्यकुशल रास्ता देखिए जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो। शहरी इलाकों में कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, यानी एक छोटी जगह में अधिक परिवार रहते हैं। ऐसे में आपको अपने लेआउट नक्शे को अपडेट भी करना होगा। अपने काम को अच्छी तरह समझ लें ताकि जब आप गणना करने जाएं तो आप अपने उद्देश्य को अच्छी तरह समझा सकें। आपको स्थानीय स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। संभव हो तो स्थानीय बोली में ही बात कीजिए। शहरी इलाकों में घर के मुख्य भवन के आकार से अपना लक्ष्य मत निर्धारित कीजिए। शहरी इलाकों में एक ही मुख्य भवन में एक से ज्यादा परिवार या आर्थिक गतिविधियां मिल सकती हैं। गणनाकारों के प्रशिक्षण में पूरा ध्यान लगाइए। जब आप अपने काम के लिए योजना बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इस योजना में आपको एक निश्चित समयावधि में अपना काम पूरा करना है। लेकिन इसके लिए काम में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए सही जानकारी लेना ज्यादा जरूरी है। जल्दी काम करने की जगह सुविधा और सुघड़ता का ध्यान रखिए। भारत के सातवें आर्थिक सेंसस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक बेहतर योजना बनाएं और उसे ठीक से अंजाम दें।